कंगना रनौत के लॉकअप शो में विनीत कक्कर पर लटकी है एविक्शन की तलवार। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, लॉकअप के अंदर अब एविक्शन किसका होगा, ये बड़ा सवाल है। वेल, जजमेंटल डे पर आखिर में कौन होगा लॉकअप से लॉकआउट। वेल, हाल फिलहाल तो इसको लेकर लॉकअप में भी काफी ज्यादा सुर्खियां चल रही है, काफी ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बाहर, तो सबसे कम वोट्स जो हैं वो मिल रहे हैं विनीत कक्कर को, तो वहीं इस बात का अंदाजा जो है घर यानी कि जेल से भी लगा सकते हैं, जहां पर जो कॉन्टेस्टेंट्स है वो भी विनीत का नाम ले रहे हैं। दरअसल शिवम और करणवीर जो हैं वो बातें करते हुए नजर आए, जहां पर उनका कहना है कि हो सकता है कि विनीत जो है वो इस हफ्ते लॉकआउट हो जाए, क्योंकि वो एक कमजोर कड़ी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आखिर में कौन कौन लोग जो थे वो नॉमिनेटेड थे। वेल, बात करें अगर ऑरेंज टीम की, तो पहले पांचों सदस्य जो थे वो नॉमिनेटेड थे ऑरेंज टीम में से, जिसमें से करणवीर, शिवम, मंदाना, पायल और जिशान थे। लेकिन जिशान के पास में आया जब पावर कार्ड, तो उन्होंने अपने आप को चार्जशीट से बचा लिया, तो जिशान की जगह जो है मुनावर और साइशा एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड हो गए। वहीं अगर ब्लू टीम की बात करें, तो पहले जो है वो विनीत और आजमा हुए थे, लेकिन अब मुनावर और साइशा भी नॉमिनेटेड है। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं 8 सदस्य जो है वो नॉमिनेटेड है। वेल, अगर वोट्स की बात करें, तो अब विनीत कक्कर जो है उन्हें कम वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जजमेंटल डे पर कंगना रनौत किसे लॉकआउट करती है। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।